अरे वो गेम लॉन्च का हुआ है अभी, पता नहीं वो कब लॉन्च होगा। वो अभी था, वो तो रीड ही नहीं कर रहा था वो सब कर। एक्चुअली इतने लोग आ गए थे, वो जो हमें कॉन्सेप्ट बोला गया था क्या, एक अकेले आदमी को वहाँ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वहाँ इतने लोग, वो कहा है छोटू का है जो घुस गया था अभी, ये कहा है वो छोटू, तो सब लोग घुस गए थे तो वो रीड नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसका एक पहली बार उन्होंने गोल्फ के ऊपर एक गेम अटेम्प्ट किया स्मैश ने, जो बहुत ही बढ़िया है। क्या कि गोल्फ को उसका जो डिस्टेंस है, उसको जो एक उसका जो प्रिंसिपल है गोल्फ का प्रिंसिपल, वो बहुत डिफिकल्ट स्टिमुलेट करने के लिए। लेकिन मुझे ताजुब है कि इन्होंने इतनी जल्दी कर दिया, और जब भी वापस आके लॉन्च करेंगे या कैसे करेंगे क्या है, लेकिन वो हर गेम को एक कंप्यूटर रीड करती है। तो मुझे लगता है इतने लोग आ गए थे कि वो रीड नहीं कर पाए, तो बाद में पता नहीं अगर उन लोग पूरा उसको वापस ठीक करके हम लोग वापस जा पाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है कि स्मैश जैसे एक गेमिंग जगह ने, मतलब मैं यहाँ बहुत एक दो बार आ चुका हूँ, लेकिन जो मेरे सब बच्चे जो है, फैमिली के बच्चे जो है, वो हर वीकेंड यहाँ आके गुजारते हैं, और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इतनी चीज़ें यहाँ करने के लिए जो बच्चों को इंटरटेन करके रखती है। रियल लाइफ में तो बहुत सारे गेम हैं, खेलते ही रहते हैं जैसे, और गोल्फ मुझे बहुत पसंद इसलिए है क्योंकि आप अकेले खेल सकते हैं इस गेम को, किसी के दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फील्ड में जाइए और आपको मालूम है कि गड्ढा वहाँ पे है, और तीन जो इक्विपमेंट आपके हाथ में है, जिसमें ड्राइव टी शॉट बोलते हैं जिसको, जिससे लॉन्ग ड्राइव मारा जाता है लॉन्ग, और एक होता है आयरन और एक पटर, उसके ज़रिए गड्ढे में पहुँचाया जाता है। तो सिंपल सा गेम है जो मुझे भी समझ में आ गया। अच्छा, ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो बहुत तारीफ हुई, बहुत फनी ट्रेलर है ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो आपको आप दोनों किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट है, कुछ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स बता पाए ट्रेलर? यू नो, चीज़ें वेरी ऑनेस्टली बैठ जाती है यार, हम लोग मेहनत तो हर चीज़ पे करते हैं, और कोशिश तो सालों से जारी है, लेकिन ये बात आई थिंक सिंपलिसिटी ऑफ द ट्रेलर, क्या एक जो एक स्टोरी टेलिंग थी ना ट्रेलर की, वो एक बहुत सिंपल स्टोरी टेलिंग थी, और जो आई थिंक द यूएसपी जो हमें फीडबैक मिला है, क्या बहुत आसानी से जो एक फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो लोगों को समझ में आ गई, एक उसके जो वन लाइनर्स है फनी है, एक उसका जो एक ग्रोथ था ट्रेलर का, और हमने क्या किया उसको बहुत लीनियर रखा है ट्रेलर को, क्या लोग बहुत आसानी से समझ पाए। क्योंकि जब हम लोग ने इनिशियली शुरू किया था तो काफ़ी लोगों ने बोला था यार आप एक गोल्फ के ऊपर फिल्म बना रहे हो, पता नहीं लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे हम लोग ने पूरी फिल्म बना दी है गोल्फ के बारे में, हमको अभी तक गोल्फ समझ में नहीं आया, तो ट्रेलर में हम लोग क्या समझाएंगे। बट बेसिकली फिल्म गोल्फ के ऊपर नहीं है, इट्स अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी, इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। क्या अगर आपके पास एक विल है, अगर आपके पास एक ड्राइव है, आप बिलियर्ड्स हो, गोल्फ हो, पोलो हो, जो लोग समझते कि ये रिच मैन स्पोर्ट है और लोग उसके अंदर घुसते नहीं है, अगर आप में वो एक इच्छा है तो आप खेल सकते हो। तो बेसिकली इट्स इंस्पिरेशनल फिल्म, गोल्फ एक सिर्फ जरिया है वो दिखाने के लिए। हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि एक सब लोगों को प्रोमो में एक ट्रेलर में एक इनोसेंस ही नज़र आ रही है, एक क्यूटनेस, एक कनेक्टिविटी नज़र आ रही है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है पूरे ट्रेलर का। तो आज पूरी फिल्म भी उसी आधार पे है कि आपको बहुत भारी भरकम ये सारी चीज़ें, एक क्यूटनेस और स्माइलिंग फेस आपका रहेगा, आप देखते देखते इंस्पायरिंग स्टोरी देख चुके होंगे, तो इस आधार पर मतलब उसको किया गया। Yeah, he's a part of the family production, so it's been presented by him. At the moment, he was away. I mean, he was with my trailer launch ke liye, so he launched the trailer for us. Now, once the film is on release, wherever we require him to promote the film, because ek hum log ne unko involve kiya hai, kyunki unki reach badi hai, so honestly. वो जितना हमें पब्लिसिटी दे पाएंगे, ट्वीट कर पाएंगे, बी प्रेजेंट इन द पब्लिसिटी, उनके लाखों फ़ैन हैं,
वहाँ तक हमारी फिल्म पहुँच जाएगी। फिल्म उसके बाद तो फिल्म क्या मेरिट है कि वो कैसे करे, बट एटलीस्ट ही विल हेल्प अस टू रीच मोर पीपल। तो इंशाल्लाह नाउ व्हेनेवर वी रिक्वायर हिम वी विल यूटिलाइज हिम इन द राइट मैनर व्हेनेवर नेसेसरी। सो नाउ व्हेनेवर द फिल्म कम्स टू रिलीज ही विल बिकम द पार्ट ऑफ द प्रमोशंस अगेन।